जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ा बिजनेस ब्रांच ऑफिस इंदौर में। और सर आपका वीडियो में देखा, आपके रिकॉर्ड जो कीर्तिमान आपने बनाया, मतलब वंदनीय है आप। और मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी जर्नी शेयर कीजिए ताकि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। कैसे इतना डिटरमाइन किया अपने आप को कि जो लोग असंभव समझते हैं, जो अपने आप को सभी तरीके से मतलब मजबूत समझते हैं, उसके बाद भी ऐसा डिटरमिनेशन लाना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो सर ये आपने कैसे किया और थोड़ा सा जर्नी शेयर करेंगे तो हमारे बच्चे लोगों को कुछ कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ बताइए सर। बस मैं क्या एक छोटे से गांव से निकला हूँ, क्योंकि मेरा जो मेरा एजुकेशन वगैरह सब गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। और मेरा जो गांव पड़ता है भिंड में है, जो भिंड में काफ़ी कोई भी दैट टाइम आई हैव नो रिसोर्सेज नो आइडिया, तो बस अपने आप में एक प्रॉब्लम व्हील चेयर बहुत 70% फिजिकल चैलेंज पर्सन हूँ। बट मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि बाई बर्थ तो नहीं हूँ, बर्थ के बाद हुआ। क्योंकि व्यक्ति को दो चीज़ें मैंने अपने आप से की कि ट्राई और एक्सेप्ट। जिस चीज़ को ट्राई करो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना, जिसको चेंज नहीं कर सकते आप व्यक्ति। और उस चीज़ को आप ट्राई मत करो जिस चीज को आप चेक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जो कर सकते हो उसी पे फोकस करना चाहिए, जो हो नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर वेदनंदर भी कहते हैं दीवार को धक्का नहीं लगाना है ना, दरवाजे को धक्का लगाना, क्योंकि दरवाजा खुलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम के साथ है तो उस प्रॉब्लम को साइड में रखो, अपन सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक उसी तरीके से क्या बिल्कुल सर कंटिन्यू कीजिए आप। तो बस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गई वर्क के कुछ टाइम बाद, बट मैंने कभी नहीं सोचा है कि आई हैव प्रॉब्लम। बट मैंने हमेशा से ये सोचा है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो बाहरी प्रॉब्लम है, दैट इज व्यू, जिस दिख रही है सब लोग देख सकते हैं, बट जो व्यक्ति के अंदर इंटरनली प्रॉब्लम होती है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। कुछ व्यक्ति चलते फिरते भी डिसेबल है, चलते फिरते प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। एग्जैक्टली सर, जो व्यक्ति की सोच होती है वो उसे असली डिसेबिलिटी है। क्योंकि हमारी यही सोच है, कोई रास्ते में जब हम जाते हैं कोई भी ऐसा नहीं है हम, क्योंकि जब सोच ही जब बना लेंगे कि नहीं हमारे आई हैव प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, आई हैव नो प्रॉब्लम कितनी भी प्रॉब्लम हो तो नहीं है प्रॉब्लम, सब कुछ थिंक से होती है। बिल्कुल सारी चीज़ें मेंटल होती है जैसा अपन सोचते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसको सोच नहीं है अच्छी, उसका दृढ़ संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है उसके लाइफ में, तो कितना भी ताकतवर वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल माने को जिसके अंदर अच्छी सोच है उसके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो सकेगी वो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल क्योंकि जब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की तमन्ना सच्ची होती है तो रास्ते मिल जाते हैं, और तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने भी बहुत मिल जाते हैं। क्योंकि हमारा नहीं आना होता था यहाँ तो बहुत बहाने मिल जाते हैं। तो ये चीज है, कहने को तो बहुत कुछ स्पीच देते रहो, दो लाइन का बस ये स्पीच है। जब तमन्ना अच्छी रखेंगे तो आपके पास ऐसी थिंग्स आएंगे, लोग मिलेंगे, आपकी जो ब्रह्मांड का हो कुछ भी वो चीज़ें वैसी पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारी सोच अच्छी है, जब हम अच्छे इरादे से कुछ करना चाहते हैं तो जरूर हमारी हेल्प होगी, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। जब हम ही खुद अपने पर विश्वास नहीं है तो दुनिया विश्वास क्यों करेगी। जब हम अपने को खुद पर विश्वास करेंगे तो सब ट्रस्ट करेंगे। जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे होगा या नहीं होगा पता नहीं, किसी को प्लान दिखाएंगे करेगा कि अब हमने पहले से ही नेगेटिव एनर्जी यहीं से बढ़ ली तो सामने वाले में तो नेगेटिव एनर्जी वहीं से पहुँच गई। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सामने वाले का हमने ठेका नहीं ले रखा। बिल्कुल ठीक है ना, जब हम सामने वाले का हमें खुद का नजरिया जब बदलेंगे तो हमें सब एक से लगेंगे। जब हम खुद का नजरिया नहीं बदलेंगे तो हमें सब वैसे ही दिखेंगे। तो हमें यही चीज है, कहने को तो बहुत कुछ कहते रहो, सब कुछ है अपने ऊपर डिपेंड है। कभी नहीं सोचना हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हर घर में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई
व्यक्ति नहीं है जिसके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। मैं कहता हूँ जो गांव में जो सिंपल आदमी वो सुखी जीवन जी रहे हैं, तो ज्यादातर जो रिचेस्ट हैं जो बड़े उसमें बिजनेस में वो क्यों आज की जो सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है लोग, क्यों अपने आप को कितने भी आगे बढ़ा जरूर लेते मगर उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं कर पाते। और आप जब इसका कोई भी चीज आपको मिल भी जाए, चलो आपको बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, मतलब कम समय में ज्यादा तरक्की भी बेकार है, वो भी व्यक्ति को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कम बिना मेहनत के अगर कोई काम मिलेगा तो अपने को ऐसा लगता है उसकी इज्जत नहीं होती है। मतलब जैसे कि एक नया एंटरप्रेन्योर है ना, मेरा दिन भर उठना बैठना बिजनेसमैन के साथ होता है, तो अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है उसको अचानक से 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा तो वो नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। अगर 1000 करोड़ का ऑर्डर तो छोड़ो, अगर उसके अकाउंट में 1000 करोड़ ट्रांसफर भी कोई कर दे तो उससे भी कोई बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसकी लर्निंग वहां तक नहीं और वो ऐसे ही आ गया उसके पास। स्ट्रगल से ही अपन सबको सीखे भी आपने मिले मिलेनियल वो है ना पिक्चर है, हाँ। तो उसके जो बताते हैं कितनी उसको एकदम शोहरत मिल गई, एकदम उसका इंटरनेशनल में उसका अवार्ड मिला, तो वो पचा नहीं पाया उस चीज को, तो आज वो वहीं आ गया क्योंकि वो स्ट्रगल से नहीं निकला, क्योंकि हमको जल्दी सफलता भी मिलती है ना तो वो भी हमारे लिए सही पॉजिटिव नहीं है। हम जब सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे तो एक जब हम पककर जब कोई भट्टी में जब ईंट जब कोई पकती है तभी वो शुद्ध होती है। इसी प्रकार व्यक्ति स्ट्रगल से एक सुदृढ़ बनता है और एक कठोर और एक मजबूत इंसान बनता है। तो स्ट्रगल जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं है, बहुत ही जरूरी है। बिना स्ट्रगल के कोई वो कैसे कहते हैं ना कि बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता, जब तक पड़े ना थोड़ी की चोट पत्थर भी भगवान। ये चीजें हैं जीवन में व्यक्ति को बस पॉजिटिव रहो, अपने आप पर विश्वास करो, मैन है, हमें दुनिया से पहले अपने आप पर फोकस करना चाहिए। जब हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हम अगर सही है अपने रास्ते पर तो हमें दुनिया में डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट करे डिसरिस्पेक्ट करे। सर ये स्विमिंग का आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे स्विमिंग करना है और इस लेवल पे करना है, ऐसा कैसे सोचा? मेरे गाँव में नदी है तो वहाँ पर मैंने स्विमिंग सीख ली, बट कोई आइडिया नहीं था ठीक है एडमिशन लिया, वहाँ से स्विमिंग सीखा, फिर वहाँ से फर्स्ट नेशनल के लिए गए। जब फर्स्ट नेशनल में हमने मेडल लगाया तो काफी लोगों ने आपने जैसे आप प्रोत्साहित किया, तो इसी तरीके से व्यक्ति के अंदर एक प्रोत्साहन बहुत आ सकता है। क्यों पुरस्कार करते इस तरह से करते हो, व्यक्ति का इंक्रीजमेंट मिलता है, बोले अरे हमने इतना किया और अच्छा करेंगे। फिर हमने धीरे धीरे इंग्लिश चैनल का ट्राई किया, दो बार लंदन में गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जर्मनी गए, कभी सोचा भी नहीं था US का वीजा लगेगा 10 साल का, अभी 10 साल का वीजा है US का। तो फर्स्ट हमने कभी बस ये सोचते गए नहीं हमें करना है और रास्ते अपने आप मिलेंगे, हमें अपने कंटिन्यू रखना है, अपने चलते जाना है बस अपने। सर कुछ लोग तो किसी चीज को किसी काम को किसी प्रोफेशन में जैसे आगे बढ़ते हैं लेकिन बीच में बहुत घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, यू टर्न मार लेते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना करने से तो कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल। और हम आधे रास्ते पे आ गए, अगर हम पीछे वहाँ भी पहुंचे तो उतना ही रास्ता चलना पड़ेगा। इस वजह से अगर वहाँ तक ही चले ना करने से ही कुछ मिलेगा, बिना करने से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं ना। अगर करने से कुछ अचीव नहीं होगा तो अपने को ये सेटिस्फाई तो रहेगी कम से कम कि नहीं अरे हमने प्रयास तो किया अच्छे मन से, नहीं हुआ नॉट प्रॉब्लम, बट हमने प्रयास ही नहीं किया तो दैट इज नॉट गुड प्रॉब्लम। सही बात, तो ये बहुत बढ़िया बात आपका कहना है ना कि यहाँ तक आया हूँ यहाँ रुकने के लिए और आगे जाते हैं। हाँ। आगे जीवन में और क्या लक्ष्य है सर आपके? और आगे जीवन में है अच्छे से, अभी तो मैं नेक्स्ट में मैं आईलैंड जा रहा हूँ, 36 किलोमीटर स्विमिंग करना है अच्छे, और इसी में भी पार्टिसिपेट करना है। काफ़ी चीज़ें और लगे हैं कि ऐसे हमने जो रास्ता बनाया है तो हम अपने
रास्ते से जो पैरा जो गांव में रहते हैं जो उनमें टैलेंट है, ऐसा नहीं हम ही आ गए, उनमें बहुत टैलेंट, बट हमें एक रास्ता दिखाना है उनको और रास्ता दिखा कर उन लोगों को भी आगे ले गया, जो किसी भी फील्ड में आगे जाना। हाँ, एक रास्ता दिखाना है उनको कि नहीं हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आई कैन डू तो यू कैन डू, कोई हम अलग से नहीं गए ना इस दुनिया में, कोई भी इंसान अलग से, बट प्रैक्टिस करता है वो, फोकस करता है तो वो अचीव कर लेता है। प्रैक्टिस 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 किसी भी चीज़ की, चाहे बोलने की हो या किसी भी कार्य की, प्रैक्टिस है, जब हम किसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उसी में मास्टर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किताबों से पढ़ने से ही कोई चीज़ हासिल होती है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी के अनुभव वो सिखा देते हैं जो हमें किताबों में कभी नहीं मिलती। अब मैं पहला रिकॉर्ड कब बनाया और क्या था वो? मैंने पहले बॉम्बे में स्विमिंग किया था 5 घंटे 42 मिनट में 33 किलोमीटर। फिर लंदन में अपनी टीम के साथ लंदन टू फ्रांस इंग्लिश सेमी क्रॉस किया 36 किलोमीटर। तब हमको बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर माँ मैंगो राष्ट्रपति से मिला, मैं फर्स्ट इंडिया से हूँ जिसको एक नॉर्वे तेंजिंग राष्ट्रीय साहित्य अवार्ड मिला पैरा स्विमर। ओके, और भी पद्मश्री के लिए नाम गया मेरा। सर ये बहुत सारी लर्निंग है जो आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए अच्छा। सर अब अपन आगे बात करते हैं कि आगे क्या मतलब, और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि आपकी जर्नी और अच्छी सी हो सके, बताइए। नहीं यही है, और जैसा पहले दिन मिलेंगे आप जैसा डिस्कस करेंगे किस तरीके से। सर जिस तरह से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो देखते हैं, आपने बताया था कि काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं और मोटिवेशन होता है, हमने तो काफ़ी वीडियोस देखे, एक उन्होंने अरुणिमा सिन्हा की पर उसकी बहुत जबरदस्त सर आपने बताया, जबरदस्त है, 10 बार देख चुके हैं, मुझे पता है 10 बार उसको देखा है, और एक वो देखा हमने संभाजी का, बहुत अच्छा लग गया, पर मेरा मिलने का एक उनसे वो है बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई चीज है, क्योंकि वो कैसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वो है, तो अभी हम कोई लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसे, क्योंकि उनको भी ऐसी चीज़ें चाहिए और हमको भी ऐसी चीज़ें चाहिए, तो जब वो भी ऐसी चीज़ें सर के वो मिलती नहीं है, तो ऐसे कॉन्टैक्ट के थ्रू वो चीज़ें पहुंच जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।